एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाई है। एक बार फिर से उन्होंने पीठ पर वार किया है। एक बार फिर से हमारे तीन भाइयों को उन्होंने शहीद किया है। आपको बता दें कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास नुआपाड़ा जिला में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के तीन वीर बहादुरों ने शहादत को प्राप्त किया है। सीआरपीएफ की ओर से बताया गया है कि उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में आज एक नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन जवान शहीद हो गए। जब उन पर हमला हुआ तब वो सड़क खोलने वाली पार्टी का हिस्सा थे। यह हमला आज दोपहर को हुआ है। सीआरपीएफ ने बताया कि गांव सहजपानी जिला नौपाड़ा उड़ीसा के पास आरोपी के लिए तैनात 19 बटालियन सीआरपीएफ की टुकड़ियों पर दोपहर लगभग 2:30 बजे नक्सलियों ने हमला किया। जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को भगाने पर मजबूर कर दिया। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के तीन वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको बता दें कि एएसआई शिशुपाल सिंह, एएसआई शिवलाल और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार इस हमले में वीरगति को प्राप्त हुए। एएसआई शिशुपाल सिंह यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले थे, वहीं एएसआई शिवलाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से आते थे और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह बिहार के रोहतास जिले से थी। मौके पर और जवानों को भेजा गया है। साथ ही इन कायर चूहों को उनके बिलों से निकालकर मारने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक शहीद के परिवार को 20-20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर दी है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ट्वीट पर लिखा कि नुआपाड़ा जिले में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर स्तब्ध हूं, जहां सीआरपीएफ के तीन जवानों ने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। शहीदों के परिवारों को प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं उड़ीसा के डीजीपी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि नक्सलियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा। मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह दूं कि ये वो आस्तीन के सांप है जो बार बार हमारी सेना के जवानों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। इस नासूर को बढ़ने से पहले इसे जड़ से खत्म करना ही होगा। बाकी हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, शिवालिक जनरल उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का ये पूरा देश हमेशा ऋणी रहेगा। आपको बता दें जो जवान इसमें घायल हुए हैं, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।